नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन तीन संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, जिन भी देवी देवता को हम मानते हैं और वह हमारी पूजा जब स्वीकार नहीं करते तो हमें यह तीन संकेत प्राप्त होते हैं। आप लोगों के मन में यह सवाल क्यों उठा कि क्या देवी देवता मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे? क्योंकि आप लोगों के जीवन में कष्ट आए, आप लोग भक्ति कर रहे हो, आप लोग उस ईश्वर से जितना मिलने की तड़प अपने मन में लगाते हो, आपको ऐसा लगता है वो ईश्वर उतना ही आपसे दूर जा रहा है। जितना देवी देवता को आप अपने नज़दीक बुलाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही वो आपसे दूर चला जा रहा है। जितनी भक्ति आप कर रहे हो उतने दुख आपके जीवन में जब आने शुरू हो जाते हैं और पूजा से आप लोगों का जब मन टूटने लग जाता है तब आपके मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या देवी देवता मेरी पूजा स्वीकार करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, भक्ति जितनी ज़्यादा करोगे आप लोगों को कभी भी वह असफल नहीं होगी, क्योंकि भक्ति और सेवा जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। आपकी जो पूजा आप लोग करते हो वह कभी असफल नहीं होगी, क्योंकि देवी देवता आपकी श्रद्धा के भूखे हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं। जितनी श्रद्धा से आप भक्ति करते हो देवी देवता भी स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिनकी वजह से हमारे देवी देवता के तक हमारी पूजा नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति की और उस देवता के पास नहीं पहुंची। क्यों? जो बीच का कारण है, जो बीच का रास्ता है, उस रास्ते में अगर अड़चन हो तो आप लोगों की भक्ति उस देवता के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो बीच का जो रास्ता है वो आपके घर में ही छिपा हुआ है। या तो आप लोगों के घर में कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो आपकी पूजा में विघ्न डालती हो। जैसे सबसे पहला संकेत हमें कब मिलता है कि अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति पहले से ही विराजमान है, कोई या तो शमशान की शक्ति, किसी की भेजी हुई शक्ति, कोई छोड़ी हुई शक्ति, आपके घर में कोई किया कराया, किसी ने जलन के द्वारा आपका बुरा करना चाहा हो, या फिर आपकी शक्ति के साथ किसी ने छेड़खानी की हो, या घर में आपके किसी ने कुछ गलत शक्ति छोड़ दी हो, तो ऐसे में वो शक्ति आपकी पूजा खा लेती है। और आपके घर में या फिर जैसे आपके परिवार में कोई मृत्यु हो जाए और वह मृत्यु के द्वारा वो व्यक्ति जब प्रेत योनि में आ जाता है तो वो प्रेत भी आपकी पूजा खानी शुरू कर देता है और आपकी पूजा उस परमात्मा, उस देवी देवता तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में आप लोगों के साथ क्या होता है, जब भी पूजा पाठ करने की सोचोगे, जब भी पूजा पाठ की तरफ जाओगे, वह शक्ति आपका मन तोड़ देती है। ऐसे व्यक्तियों का मन कभी भी पूजा की ओर, आध्यात्मिक की ओर नहीं लगेगा। अगर वह व्यक्ति अपना मन बनाकर पूजा पाठ करने अगर बैठ भी जाए तो उस व्यक्ति के घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्रोध आना शुरू हो जाता है। ये शक्तियाँ आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती हैं, आपके विचारों के साथ ये शक्तियाँ खेलना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रोध आ जाता है और क्रोध में अगर आप पूजा करते हो तो वह कभी भी स्वीकार नहीं मानी जाती, क्योंकि भक्ति प्रेम अति प्यार से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। तो अगर किसी को पूजा करते समय बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो, चाहे उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन ही क्यों ना हो, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे ही ज्योत बत्ती या फिर
पूजा पाठ करने बैठता हूँ, एक चिड़चिड़ापन मेरे अंदर पैदा हो जा रहा है, तो ऐसे में समझ जाएं कि आपके घर में कोई गलत शक्ति जरूर है और वो देवी देवता तक आपकी पूजा को नहीं पहुंचने दे रही है। तो बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरे संकेत में बताया गया है कि अगर आप लोगों की रुचि पूजा पाठ करने से कम हो रही हो, मतलब कि आप लोग जैसे आपके घर में जो भी पूजा घर है, मंदिर है, उसमें आप साफ सफाई न रखें, आपको आनंद ही ना आए, उसमें जब आप जाओ तो आपको उसमें मन ही ना लगे। एक होता है लीनता, पूजा में लीन हो जाना, और एक होता है जल्दी जल्दी से चले जाना। जैसे आप लोग अपने काम पे, अपने रोजगार पे जब जाते हो तो आप एक व्यक्ति वो है जो आधा घंटा एक घंटा अपने ईश्वर को याद करता है, और एक व्यक्ति वो है जो चिंताओं से भरा हुआ और वह अपने ईश्वर की तरफ ध्यान ही ना दे, अपने देवी देवता की तरफ ध्यान ही ना दे और सिर्फ जोत बाती की और चला जाए। मतलब कि उस व्यक्ति की रुचि पहले से जब कम होने लगे और आपको अपने अंदर ही एक घमंड आना शुरू हो जाए कि जो भी मैं हासिल करता हूँ अपनी, मैं जो आपकी मेहनत है उसी से करता हूँ, इसमें देवी देवता का कोई भी हाथ नहीं है, मतलब एक घमंड अगर आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाए, आप किसी भगत से मिलो, किसी साधक से मिलो, तो आप उसके आगे अपने मन मन में जब बातें करने लगे कि इस व्यक्ति से ज़्यादा मेरे अंदर शक्ति है, मैं इससे ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, जब ये घमंड आपके अंदर आना शुरू हो जाए तो समझ लेना देवी देवता आपसे दूर जा रहे हैं। अगर आपके मन में अपने गुरु के लिए घृणा पैदा हो जाए, अगर आपने कोई गुरु बनाया है और उसके लिए आपके मन में सवाल उठने लगे और आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा गुरु मेरे साथ गलत कर रहा है, या फिर आपको अपने गुरु में कमियां अंदर ही अंदर नज़र आने लगे, तो आप समझ जाएं कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य खोने जा रहे हो। आप लोग भटक चुके हो, वो देवी देवता आपको भटका रहे हैं और आपके कर्मों का जो दंड है वो आपको जल्द मिलने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु से भटक जाता है उस व्यक्ति का कहीं भी और कहीं भी कोई लक्ष्य उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि देवी देवता आपको भटका रहे हैं, या फिर जो आपके घर में कोई बुरी शक्ति चली हुई है उसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि आप अपने गुरु से दूर चले जाएं और एक गलत लाइन की तरफ आपका मुख हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर का नाश होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में भी अगर आपके मन में घमंड आना शुरू हो गया हो, पूजा करते समय आपको घमंड आता हो, किसी साधक भगत को देखकर आपके मन में घमंड पैदा होता हो, तो आप समझ जाएं कि आप लोगों की पूजा देवी देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो आप पूजा करते हो वह विफल जा रही है। केवल और केवल ये आपने अपने दिमाग के अंदर इन विचारों को धारण करा हुआ है कि आप सबसे शक्तिशाली हो, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा भी देवी देवता कभी स्वीकार नहीं करते। बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में बताया गया है कि जब आप किसी एक संकल्प के साथ कोई मंत्र साधना करते हो, या फिर किसी देवता को बुलाने की साधना करते हो, या किसी भी प्रकार से आपने कोई संकल्प लिया और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने संकल्प को तोड़ देते हो तो वो देवी देवता भी अपने वचनों से मुकर जाते हैं, क्योंकि आप लोग जब देवी देवता को संकल्प के साथ बोलते हो कि मैं 40 दिन 41 दिन आपके नाम से मंत्र जाप करूंगा तो आप मुझे दर्शन देंगे ही देंगे,
और जब आप लोगों का वो संकल्प टूट गया तो देवी देवता का वचन भी अपने आप ही टूट जाता है। साधना के दौरान बार बार गलतियां करना, बार बार संकल्प तोड़ देना भी देवी देवता को नाराज कर सकता है। इसी के साथ आप लोगों के घर में कोई फरेज ना होता हो, जैसे शराब का सेवन आपके घर में बार बार होता हो, अंडा मीट आपके घर में उन दिनों को खाया जाता हो जिस दिन आपके देवी देवता का दिन होता है, या फिर आपके शरीर पे शक्ति आती हो और आपके मन में दूसरों के लिए घृणा हो, कोई स्त्री के लिए आपके मन में गलत भावना हो, या फिर इसी प्रकार से आप लोग साधना के समय में ब्रह्मचर्य का पालन न करते हो, आप लोग इसी किसी भी प्रकार से कोई लालच अगर आपके मन में आना शुरू हो जाए तो ऐसे में भी देवी देवता आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। रात्रि में आपको नींद बहुत ही देर में आएगी, लेकिन जब देवी देवता आने का समय होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो सुबह 3 से 5 के बीच का समय है, ऐसे समय में आपको ज़्यादा नींद आए और रात्रि में नींद न आए तो यह संकेत भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तभी होता है जब देवी देवता की पूर्ण कृपा आपके ऊपर न हो। इसी के साथ आपने किसी भगत का अपमान किया हो, किसी साधक का अपमान किया हो और किसी देवता का अगर आपने अपमान किया हो तो ऐसे में भी आपके जीवन में बहुत बड़ा दोष लग जाता है, जो आपकी भक्ति को, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं होने देता। और आप अन्य देवता की पूजा करते हो लेकिन अपने पितरों की पूजा आपने अगर न की हो तब भी आपके जीवन में दोष आता है। कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता एवं गुरु पितर, अगर आप इन सब देवताओं को छोड़कर किसी अन्य देवता की पूजा करते हो और इन देवताओं की, जो आपके घर के देवता हैं, इनको अगर आप भूल जाते हो और अन्य देव की पूजा करोगे तो आपको पूजा में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप पूजा करते हो आपके घर से की हुई पूजा सबसे पहले आपके पितर, कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवता, यही वो देव हैं जो आपकी पूजा को आगे स्वीकार कराते हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अगर आप इन्हीं के साथ साथ अन्य देवता की पूजा करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे, लेकिन अगर इनको भूल जाते हो तो आप लोग असफल ही माने जाओगे। इनकी अनुमति के बिना कोई भी देवी देवता आपके घर पे नहीं आएगा, आपकी पूजा नहीं स्वीकार होगी। तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपने घर में जो भी देवी देवता आपके घर के हैं उनको सबसे प्रथम लेकर चलें, ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी न आए। और अपने सच्चे मन और श्रद्धा के अनुसार अपने देवी देवता की पूजा करते रहें और आगे की ओर चलते रहें। इसी के साथ अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है। बात करने का जो भी मोबाइल नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर लिखा दिया गया है, आप लोग उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।